हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मेरे पास आया है यामा एफजेड एस, इस बाइक सर्विस के लिए आया है और इसका एक प्रॉब्लम भी है, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा और कौन सा चीज़ चाहिए वो सॉल्व करने के लिए और चेंज कैसे करना है, तो पहले आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये पीछे वाला व्हील को इस तरह घुमाने से देखिए यहाँ से अप डाउन हो रहा है। ये जो सस्पेंसर बूश रहता है, इसके अंदर एक बूश रहता है, ये बूश कटिंग हो चुका है, इसलिए इसका जो प्रॉब्लम, गाड़ी ड्राइव करने के टाइम सीधा नहीं चल रहा है, थोड़ा हिल के चल रहा है। देखिए, आपको करीब से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस तरह आ रहा है जा रहा है, तो बूश चेंज करने वाला हूँ। तो ये बूश कैसे चेंज करना चाहिए वो आज आपको इस वीडियो के जरिए से देखने को मिलेगा। जो दोस्त काम सीख रहे हैं उस दोस्त के लिए बहुत ही काम आएगा और मिस्त्री दोस्त को पता ही है कैसे चेंज करता है। आइए, पहले पीछे वाला व्हील को खोल लेना है और ये पूरा सस्पेंसर को बाहर करना है। अभी पीछे वाला व्हील को बाहर करके आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये एक्सल तो बाहर आ गया, अभी व्हील को भी बाहर करना है। देखिए, एक खोलने का काम हो गया, पूरा बाहर क्या हो। ये जो शॉकर का ये नट खोलने से पहले सस्पेंसर का इधर का जो नट है ये खोलना है। ये खोल के उसके बाद जो शॉकर रहता है, ये शॉकर का ये नट खोलना है। देखिए, ये खोलने का काम हो गया, शॉकर रहता है उसको खोलना है, ये तो बाहर आएगा नहीं। देखिए, अभी इसको बाहर करना है। देखिए, ये खोलने का काम हो गया। अभी दोस्तों आपको अच्छा तरह से देखने वाला है, देखिए जो प्रॉब्लम हुआ है इसमें, जो बूश है देखिए ये अप डाउन कितना कर रहा है। ये बूश के वजह से गाड़ी ड्राइव करके भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ए बूश को चेंज करना है। देखिए इसका हालत, और दूसरा साइड देखिए ये बराबर ही है। अभी दोनों को चेंज करने वाला हूँ, मैंने लेके आया हूँ। और देखिए, अभी एक खोल के दिखाता हूँ। देखिए, एक रॉड और दोनों बूश। दूसरा बाइक में ये रबर का होता है और इसमें देखिए, अभी एक खोल के दिखाता हूँ। देखिए, दूसरा भी सेम एक ही है। अभी ये फिट कैसे होगा आपको अभी वो दिखाने वाला हो। देखिए, ये पुराना वाला बाहर आ गया। अभी इसका हालत भी देख लीजिए, बहुत ही बुरा हालत इसका। ये साइड तो अच्छा ही था, दूसरा साइड देखिए। अभी बूश को भी बाहर करना है। देख लीजिए, देखिए इसका अंदर इसका हालत क्या हुआ है। देखिए, इसमें बॉल वगैरह है। देखिए इसका हालत,
ये बहुत ही बुरा हालत हो गया था, अभी ये भी बाहर करना है। ये बाहर हो गया, और पहले वाला तो दिखाया, ये वाला अभी नया को इंस्टॉल करना है। अभी ये सफाई करके इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये मैंने सफाई किया हूँ, अभी ये बुश को नया जो बुश इसे देखिए ये बराबर आ गया। अभी दूसरा साइड भी इस तरह ही बैठना है सेम। देखिए ये बराबर आ गया, ये सेट करने का काम हो गया। अभी व्हील भी सेट करके, पहले जिस तरह हिल रहा था अभी उस तरह हिल रहा है कि वो देखने वाला हूँ। अभी फिट करके दिखाता हूँ। देखिए अंदर का बुश भी बराबर आ गया। देखिए दोस्तों दूसरा दोनों साइड ही बराबर आ गया। ये दोनों कैप अभी दोनों साइड में इस तरह देना है। अभी इसको सेट कीजिए। देखिए ये अभी बराबर आ गया, अभी जितना खुला था अभी टोटली सेट करना है। ये भी टाइट हो गया दोस्तों। ये टाइट करने के बाद जो सस्पेंसर एक्सल खुला था वो भी टाइट करना है। टाइट करके ये पहले इतना हिल रहा था वो अभी बराबर आया कि नहीं है वो देखने वाला हूँ। देखिए वो टाइट करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये भी टाइट हो गया, अभी ये हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है वो देखना है। देखिए अभी करीब से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पहले हिल रहा था, अभी देखिए ये बराबर आ गया। दोस्तों मैंने जितना काम आपको देखने की कोशिश की वो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और मैंने बाइक रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। ज़रूरत है तो मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज इतना ही बस, ओके बाय दोस्तों।